ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार। हम सबके जीवन में संभावनाएं हर समय मौजूद रहती हैं। जरूरत होती है तो सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ते रहने की। कोरोना महामारी के इस दौर में भी कई ऐसा पड़ाव आया जब हमें लगा कि परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई हैं, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट के समय का दौर हो या फिर पहले लॉकडाउन का। लेकिन हर बार संयम, संकल्प और समर्पण के साथ हम सब आगे बढ़ते गए और अब स्थिति ये आ गई है कि भारत में कोरोना के मामले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां इस समय कोरोना की नई लहर ने कोहराम मचा रखा है। क्या इससे भारत भी प्रभावित होगा? क्या भारत में भी चौथी लहर आ सकती है? इन तमाम सवालों पर आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वहां पर कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़े हैं और ऐसे में सरकारों की चिंता बढ़ गई है। भारत में भी इस पर गहन नजर रखी जा रही है। क्या कुछ हो रहा है दुनिया के उन देशों में, क्या सबक लिया जा सकता है, कौन सा वेरिएंट है, उससे देशवासियों को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है, स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर रखे हुए है। हमें आपको क्या करना है, वही तीन सावधानियां जो कोरोना के शुरुआती दौर से हम सब अपनाते आ रहे हैं। जहां भी जाइए मास्क लगाइए। बहुत सारे लोग इस मानसिकता में आ गए हैं कि अब पूरे देश में बहुत कम मामले आ रहे हैं, अब तो कोरोना का खतरा ही नहीं है। ऐसा मत सोचिए, मास्क जरूर लगाइए, जहां तक संभव हो सके सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ मुंह को बार बार धोते रहिए। ये जो आदत है ये आपको कोरोना से बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। आप जहां भी बाहर जा रहे हैं, घर में वापस आते हैं, ऐसे में कई बार आप हाथ धोना भूल जाते हैं और इसी हाथ से कोरोना का वायरस आपके शरीर में जा सकता है। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है और आप लगातार हाथ धो रहे हैं, बाहर से आने के बाद जरूर साबुन पानी से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोइए, ताकि अगर कहीं ना कहीं आप वायरस के संपर्क में आए हैं तो आप इससे अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0112342-1764। डॉक्टर अनुपम, दुनिया के कई देशों में कोरोना के बहुत मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, एक नए वेरिएंट की भी चर्चा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीवास्तव जी आप। ऐसा है कि जो अब 2 साल हो गए हमें इस वैश्विक महामारी में और बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं और इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा भय भी है इससे और लोग चिंतित भी हैं कि आगे कैसे करना है। तो अभी जो है भारत में इस अनुकूल है, अभी काबू में है और अगले 1-2 दिन में जो है काफी सारे जो हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध थे वो सारे हट भी जाएंगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, विश्व में, यूरोप में, एशिया के भी कई देशों में और अमेरिका में तो कभी भी खत्म ही नहीं हुई थी, वहां केसेस चल ही रहे हैं। तो अभी जो है केसेस बढ़ रहे हैं और ये जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो भारत में आ चुका है उसके भी और वेरिएंट्स हैं, उनकी वजह से भी परेशानी है। और जैसा कि आपने अभी कहा, और कोई 2 अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनके मिलने से भी स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण है। लोग जो वैज्ञानिक हैं, सरकारें हैं, वो देख भी रही हैं, स्थिति को मुआयना कर रही हैं लगातार और उसके हिसाब से इसके ऊपर कदम जब जरूरत होगी लिए जाएंगे। अभी जो है मेरा मानना है कि हमें इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है,
ओमाइक्रॉन वेरिएंट हमारे यहाँ से जा चुका है काफी हद तक। जो चल भी रहा है उसने बहुत ज्यादा हमारे लोगों को हताहत भी नहीं किया है और बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए अभी इससे तो घबराने की बात नहीं है। जो आपका दूसरा प्रश्न था कि ओमाइक्रॉन प्लस डेल्टा जो है उससे जो दिक्कत है, तो न सिर्फ ये बल्कि और भी वेरिएंट्स हैं। तो जो कॉम्बिनेशन वाले चल रहे हैं, ओमाइक्रॉन और डेल्टा के दो अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स हैं कॉम्बिनेशन के, जो डेल्टा माइक्रॉन है, तो ऐसे डेल्टा क्रॉन जो है वो दो तरीके के हैं। ऐसे ही जो BA.1 और BA.2 है उसका भी कॉम्बिनेशन जो है चल रहा है विश्व में कहीं कहीं देशों में। तो इसके लिए मेरा मानना है अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपना ध्यान रखना है, मास्क पहने रहें, सामाजिक दूरी बना करके रहें और हाथ धोते रहें, ये और टीकाकरण लगवाएं। ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं हमें ओमाइक्रॉन या कोई भी नए वेरिएंट से बचाने के लिए। जी, कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, देश की राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। और हमारे जो प्रिय श्रोतागण हैं जो इतने अच्छे, हमारे जो मोती के द्वारा एक लड़ी के द्वारा माला पिरोते हैं सवालों की, उसका आप जवाब देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मैं दो बातें पूछना चाहूंगा। जैसे पहले दो साल पहले दिखाया जाता था कि लोग इधर उधर रुक रहे, लोग घबरा गए थे कि ये क्या हो रहा है, और आजकल ये समय आ गया कि लोग बेपरवाह होकर इधर उधर रुकते हैं। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके द्वारा बताया जाता है कि हाथ धोना चाहिए, हाथ धो के जो वायरस जाता है वो सीवर के गटर में चला जाता है, कि सारा जो वायरस है सीवर के गटर में जाके क्या इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर भी सरकार क्या ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही? धन्यवाद जी। डॉक्टर अनुपम। हाँ, ऐसा है, बेपरवाह तो होना बिल्कुल गलत है। जब आपके पड़ोसी देशों में, विश्व के कई देशों में, जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा यूरोप में कई देश हैं, और इन सब जगहों पे जब बढ़ रहा है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना में हम लोग पढ़ रहे हैं रोज अखबार में कि कई शहर जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, वहां पे बहुत ही मास स्क्रीनिंग चल रही है, बहुत बड़े तादाद में लोगों को जो है स्क्रीन कर रहे हैं, कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में बेपरवाह होना तो बिल्कुल लाजमी नहीं है। और मेरा मानना है कि हमें सतर्कता तो रखनी ही है, जो सरकारें हैं चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, बहुत ही ज्यादा सतर्क है इस समय, और हम लोगों को भी मास्क लगा करके और हाथ धोते रहना और सामाजिक दूरी जहां तक बना सकते हैं बना करके रहना चाहिए। देखिए, बाहर निकलना जरूरी है, अपना कार्यभार संभालना जरूरी है, जो हमें काम करने हैं वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन सतर्कता के साथ। अब जैसा कि दूसरा इनका प्रश्न था कि हाथ धो करके वायरस जो है पानी के साथ बह जाता है और कहीं इकट्ठा हो जाता है नल नालों में, नदियों में या फिर नालों में, जैसे भी कहिए, तो ऐसा है कि ये वायरस जो आप साबुन से धोते हैं, तो एक तो साबुन या डिटर्जेंट होता है, एक तो वो भी वायरस को निष्क्रिय करने में मदद करता है, दूसरा वायरस ऐसे कण होते हैं जो कि शरीर के बाहर निर्जीव हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये एक बार जब बह जाएगा आपके शरीर से बाहर रहेगा तो ये बहुत ज्यादा देर जो है सक्रिय नहीं रहेगा और थोड़ी देर में ये निष्क्रिय हो जाता है। तो इसलिए कहाँ इकट्ठा होगा वो निर्जीव स्थिति में ही इकट्ठा होगा, और दोबारा से बीमारी फैलाने लायक जहां तक है 99.99% नहीं होगा, इसलिए उसके बारे में चिंता मेरे ख्याल से हमें नहीं करनी चाहिए। जी, उत्तर प्रदेश के बड़ौत से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश जी। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये वायरस है, ये रूप बदला है, और जो है कभी किसी उससे कभी किसी इससे बचाओगे, क्या उपाय होंगे, और जो है हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? जी डॉक्टर अनुपम। देखिए महेश जी, सावधानी जैसे हम लोग दो साल से बरत रहे हैं वो जरूरी है, और टीकाकरण बहुत जरूरी है। तो जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उस समय जो जो लोग अपनी टीकाकरण करवा सकते हैं वो जरूर करवाएं टीकाकरण। ये एक बहुत ही अहम पहलू है हम लोगों की कोरोना के साथ लड़ाई के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी जो है टीकाकरण उपलब्ध हुआ है,
और अब टीकाकरण उपलब्ध होने के बाद हम लोग लगवा सकते हैं। ये एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के कोने कोने में हमें टीकाकरण मिल रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अभी हाल ही में जैसा कि आप लोगों ने सुना है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी टीकाकरण खुल गया है और अब जितने भी प्रौढ़ लोग हैं 60 साल से बड़े वृद्ध लोग हैं उन सब लोगों के लिए भी टीकाकरण खुला हुआ है। तो ये सब लोग अपना टीकाकरण जो प्रिवेंटिव डोज है या बूस्टर डोज कहिए वो जाकर के जरूर लगवाएं। और बाकी बचाव के लिए मास्क पहनना जो है एक वैक्सीन के बिल्कुल बराबर है। अगर आप मास्क पहन करके बाहर जाते हैं तो संक्रमण से शर्तियां बच सकते हैं। दूसरा, सामाजिक दूरी रखें और कोई भी सतह छूते हैं क्योंकि कोई भी सतह जो है वो संक्रमण का सोर्स हो सकती है, इसलिए आप उससे उसके बाद अपने हाथ जरूर धोएं और हाथ किसी भी हालत में आपके मुंह तक नहीं जाने चाहिए क्योंकि हाथ के द्वारा संक्रमण, अगर आपके हाथ गंदे हैं या संक्रमण है तो मुंह में आपके संक्रमण फैला सकता है। कार्यक्रम में दिल्ली से हरदीप सिंह जी जुड़ गए हैं। हरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरुण श्रीवास्तव जी। नमस्ते। और डॉक्टर साहब जी को भी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों ने मास्क उतार रखे हैं। ऐसा लगता है कि 75% लोग मास्क उतार रखे हैं लोगों ने और लापरवाही ज्यादा बरत रहे हैं और बसों में भी भीड़ भाड़ बहुत हो रही है। तो ये कोरोना बढ़ने का क्या संकेत है? बहुत ही व्यावहारिक सवाल है डॉक्टर अनुपम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि कहीं भी जब ढील होती है तो भीड़ भड़का हो ही जाता है और मेरा मानना है कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं वो तो बात बिल्कुल गलत है। भीड़ कई बार जो है ऑफिस आवर्स है उस समय हम नहीं रोक पाते हैं और वो हम लोगों की मजबूरी भी है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी जो है केसेस निरंतर जो है कोरोना के जो केस हैं वो निरंतर कम हो रहे हैं और जिस तरीके से ढील दी गई है एक एक करके सारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं और जो सरकारें हैं उन्होंने जो प्रतिबंध हैं धीरे धीरे हटाए हैं, उसके बावजूद जैसा कि आपने देखा है कि भीड़ भड़का काफी है लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, केसेस निरंतर कम हो रहे हैं। तो ये एक अपने में बहुत अच्छी बात है और मेरा मानना है ये हमें सिखा रहा है कि हमें जो है कोरोना चलता रहेगा और हमें अपना काम भी करते रहना चाहिए। तो मैं ये कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा कि हम मास्क पहने बिना निकलें, लेकिन हाँ बाहर अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने और अगर दूसरा आदमी नहीं पहनता है तो कम से कम हम अपने को तो बचा करके रखें और अपने खुद के लिए मास्क पहने। ऐसा आज की तारीख में लोगों को लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया, तो कोरोना खत्म नहीं हो गया है, अभी भी कोरोना फैल रहा है क्योंकि अभी जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वो इतनी ज्यादा क्षति नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा मरीजों में दिक्कतें नहीं पैदा कर रहा है और आम तौर पे तो नजला जुकाम की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। भर्ती नहीं हो रहे हैं लोग, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन संक्रमण अभी भी है सोसाइटी में, समाज में चल रहा है और हमारे पास केसेस हैं। हालांकि काफी कम हो गए हैं लेकिन फिर भी केसेस चल रहे हैं, तो अपने को बचाना जरूरी है क्योंकि कल को कोई भी आपको तकलीफ है और कोरोना से अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जटिलता हो जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो दिक्कत आपको खुद को होगी, इसलिए मास्क जरूर पहने के बाहर निकले। महाराष्ट्र के ठाणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुनाथ जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर नमस्ते। सर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। और सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट ने जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने जो एयर सेवा जो चालू की है सर, अभी जिन जिन देशों में इसके केसेस बढ़ रहे हैं तो वहां से आने वाले जो यात्री है उनके लिए जो पहले जैसे नियम जैसे आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट या वैक्सीन तो होना चाहिए, मतलब जो कड़े मतलब नियम थे वो अभी भी लागू है? क्योंकि हमारे देश में तो पूरी तरह कंट्रोल में है कोरोना और इससे पानी भी फेर सकता है बाहर से जो आने वाले लोग। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में सतर्कता जारी है और जो नियम है वो भी है लेकिन उतने कठोर नियम नहीं है, जबकि जब महामारी 2 साल पहले शुरू हुई थी तो जितने ज्यादा कठोर नियम थे
या फिर जब पिछले साल डेल्टा वेरिएंट चल रहा था तब जितने कठोर नियम थे उतने आज की तारीख में नहीं है। और इसके कई कारण है, मेरा मानना है, जैसे कि इस समय हमारी काफी आबादी जो है, 3/4 व्यस्त आबादी जो है वो टीकाकरण लग चुका है उसे, इसलिए काफी ज्यादा आबादी में कुछ इम्यूनिटी है। हम अल्फा वेरिएंट से भुगत चुके हैं, डेल्टा से भुगत चुके हैं, ओमाइक्रॉन से भी भुगत चुके हैं, तो काफी ज्यादा लोगों में ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन से भी इम्यूनिटी आई हुई है। और अभी भी टीकाकरण अभियान जो है, जो लोग ससेप्टेबल हैं, जिनमें होने के ज्यादा चांसेस हैं, उनको प्रिवेंटिव डोज या बूस्टर डोज कुछ भी समझ लीजिए, वो लग रही है, तो इसलिए बच्चों को भी लगनी शुरू हो रही है। तो अब अभी भी जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, ये जरूर कहा जाता है लेकर के जाइए, चेकिंग भी की जाती है, एरोप्लेन्स में भी होती है, लेकिन हाँ अब उतनी ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको एरोप्लेन बोर्ड करने दिया जाता है, और आप किसी और राज्य में जा रहे हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट से भी आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक एसेंशियल चीज है, जिसके बिना आपको उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो टीकाकरण पूरे विश्व में मानना है कि अगर आपने टीकाकरण कराया हुआ है तो आप में जटिलता होने का या गंभीरता होने का कोरोना की बहुत कम चांस हो जाते हैं, इसलिए अब जो है टेस्टिंग काफी ज्यादा रिलैक्स कर दी गई है। जी, गाजियाबाद के लोनी से हमारे नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, मोहम्मद यामीन। यामीन जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी। नमस्ते। अनुभव सर को भी नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद। सर मैं ये बताना चाह रहा था, एक तो जैसे कि कल के 1229 केस हैं, 33 लोगों की मौत भी हुई है जिसमें, तो केस तो हैं, अभी चल रहा है हमारे यहाँ भी कोरोना, लेकिन विदेशों में जो है, जो चाइना में और आपका कोरिया में, दक्षिण कोरिया में जो है, कौन सा वेरिएंट है ये, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी डॉक्टर साहब, ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं यामीन भाई आप। ऐसा है कि वेरिएंट सब जगह अलग अलग हैं, जैसा कि आनंद जी ने शुरू में पूछा गया था, हमारे पास जो है अभी ओमाइक्रॉन वेरिएंट था और उससे पहले जो प्रचलित था वो डेल्टा वेरिएंट था, और विश्व भर में अब डेल्टा वेरिएंट को ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो तब्दील कर रहा है। हमारे यहाँ भी ओमाइक्रॉन वेरिएंट के भी तीन अलग अलग वेरिएंट होते हैं, एक BA.1 है, BA.2 है, BA.3 है। तो BA.2 बहुत कम कम पॉकेट्स में था, लेकिन आज की तारीख में जो यूरोप में है वो चांसेस ज्यादा है कि वो BA.2 वेरिएंट ज्यादा चल रहा है, चाइना में भी वैसे ही वेरिएंट है, और हमारे यहाँ भी शायद BA.1 और BA.2 वेरिएंट दोनों अब अवेलेबल हैं, दोनों ही समाज में हैं, और शायद BA.1 से ज्यादा BA.2 क्योंकि इन्फेक्शन है तो धीरे धीरे ये रिप्लेस कर देगा। ये इस बात से मैं फिर से यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है संक्रमण चल नहीं रहा है, संक्रमण समाज में चल रहा है, फैल भी रहा है, हमें प्रतीत नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये कम जटिलता करने वाले या कम गंभीरता करने वाले वेरिएंट्स हैं, इसलिए ये आराम से समाज में केसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा इसलिए हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और हम भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो जब अस्पताल और टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं तो इन दोनों कारणों से हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वेरिएंट अभी समाज में चल रहा है, और क्योंकि मृत्यु दर भी बहुत कम है इसलिए अभी कोई अलार्म नहीं है, जैसा कि आप लोग सब कह रहे हैं, लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, लेकिन इन्फेक्शन हो रहा है, जटिलताएं नहीं है, इसलिए हम बचे हुए हैं। तो अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग जगह हैं, जो कॉम्बिनेशन वाला वेरिएंट्स है, जैसा कि आनंद जी ने शुरू में पूछा था, ओमाइक्रॉन प्लस डेल्टा वाला, ये भी संक्रमण चल रहा है। अब ये डेल्टा के साथ जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है इसमें जटिलताएं होने की ज्यादा संभावना है और हो भी रही है, तो इसीलिए इन्फेक्शन से बचना जरूरी है कि अगर ऐसा दोबारा से कोई नया वेरिएंट या ऐसा कॉम्बिनेशन वाला वेरिएंट आता है तो फिर हम लोग जो है पकड़ लिए जाएंगे और फिर हम लोगों में फिर से दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इन्फेक्शन से बचना सबसे जरूरी है अगर हमें कोरोना की रोकथाम करना है, तो उसके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और बाहर निकलें तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, सामाजिक दूरी बना करके रहें और हाथ जरूर धोएं जब भी कोई सतह पर हो। राजधानी दिल्ली से अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरे दो प्रश्न थे जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे दो। हाँ, मेरा पहला सवाल ये था कि आपके दिल्ली में कितने केस हैं, और ये आपका अपना दूसरा सवाल पूछिए।
हाँ जी, दूसरा सवाल ये है कि क्या चौथी लहर आने की संभावना है जून में? देखिए ऐसा है, अभी दिल्ली में केसेस बहुत कम हैं, आज की तारीख पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.3% से भी कम हो गई है। तो मतलब कि अगर हम 100 टेस्ट कर रहे हैं तो उनमें जो है मतलब 1000 में 3 लोग भी नहीं पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आज की तारीख में संक्रमण बहुत कम फैल रहा है समाज में। तो पहली चीज तो ये, केसेस बहुत ही कम है, आपके हजारों में भी नहीं है अब केसेस आज की तारीख में, मतलब पूरे भारत देश में भी जो है 8-10 हजार से ज्यादा केस नहीं पकड़े जा रहे हैं पूरे दिन भर 24 घंटे में। और दूसरा जो सवाल है आपका, दूसरा आप क्या पूछ रहे थे जी? इनका दूसरा सवाल से पहले बता दूं कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 123 नए मामले सामने आए हैं। दूसरा सवाल ये जानना चाहते थे कि क्या भारत में जून में चौथी लहर आ रही है? देखिए अगर जिस तरीके से चल रहा है उसमें तो आगे हमारे पास कोई भी लहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो कि ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने के में संक्रमण करने में कैपेबल है, क्षमता रखता है, या फिर वो ज्यादा जटिलता करता है, कॉम्प्लिकेशन या गंभीरता करता है, सीवियरिटी करता है, या फिर मृत्यु दर बढ़ाता है, तो फिर लहर आने की संभावना है। अगर हम लोग टीकाकरण करा करके रखते हैं और इन्फेक्शन को ज्यादा संक्रमण नहीं होने से रोक करके रखते हैं तो फिर आगे कोई भी लहर आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए टीकाकरण जरूर लगवाएं, जब भी किसको अपॉर्चुनिटी मिले, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी करे सरकार, उन लोगों को टीकाकरण जरूर लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो जो लोग टीकाकरण रहित रहेंगे उन्हीं को सबसे ज्यादा गंभीरता और भर्ती होने का और जो है मृत्यु दर बढ़ाने का खतरा रहता है। डॉक्टर अनुपम, जो नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसके लक्षण कुछ अलग हैं, ये सांस लेने वाली नली को ही ब्लॉक कर देता है, क्या ये सब सिर्फ अभी जो फौरी तौर पर कहें या बहुत जल्दी में बताए जा रहे ये लक्षण हैं या इस पर शोध हो चुका है? देखिए जो अभी काफी शोध हुआ है, शुरू में लग रहा था कि ये दिक्कत है, लेकिन ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो अभी चल रहा है उसके कुछ लक्षण अलग हैं, जैसे कि चक्कर आना, कई लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा घुमेरी आ रही है, सर घूम रहा है या चक्कर आ रहा है, और दूसरा कमजोरी लोगों को बहुत लग रही है। ये हमने देखा है अल्फा के बाद डेल्टा जो था, डेल्टा में भी जो नया वेरिएंट आया था उसमें भी बदन दर्द कमजोरी काफी थी, और इसमें ओमाइक्रॉन में भी जो है काफी ज्यादा लोगों को कमजोरी लग रही है, पहले दूसरे तीसरे दिन से ही इन बुखार भले ही नहीं हो लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हैं, जो ये सांस की नली है उसमें जो इन्फेक्शन की बात है, तो उसको मैं थोड़ा अलग तौर से कहना चाहूंगा कि ये जो वायरस है ये सांस की नली से ही अंदर जाता है, तो सांस की नली में ही संक्रमण करता है, और सांस की नली में ही ये जो ओमाइक्रॉन है ये करीब अगर डेल्टा 1 था तो ये माना जाता है कि 30-40% ज्यादा संक्रमण फैलाने में और 10 गुना ज्यादा फैलने में क्षमता रखता है शरीर के अंदर भी। तो ये जो श्वसन तंत्र है, जो सांस की नली है, उसमें ये ज्यादा फैलता है, तो ये लेकिन फिर भी लंग्स में डैमेज उतना नहीं करता है जितना अल्फा और डेल्टा ने किया है। तो जो बात है वो सही है कि हाँ ये शुरू में जब शोध हो रहे थे तो ये पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा फैलने में संक्रमण करने में कैपेबल है, क्षमता रखता है, तो एक आदमी से दूसरे में जो है ये फैलता बहुत है, जिस आदमी को इन्फेक्ट करता है उसमें भी सांस की नली में इन्फेक्शन ज्यादा होता है लेकिन डैमेज बहुत कम करता है। तो जब शुरू में साउथ अफ्रीका में आया था तब हम लोगों को यही चिंता थी कि ये दिक्कत ज्यादा ना करे क्योंकि ये फैलने में भी सक्षम है और शरीर के अंदर भी ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, लेकिन गंभीरता नहीं की इसने, जटिलताएं नहीं की, इसलिए जनवरी फरवरी वाले महीने हमारे अच्छे से निकल गए और हम ओमाइक्रॉन वाले वेव से भी उभर के बाहर आ गए। हरियाणा के रोहतक से जगदीश सत्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते जी, बहुत नमस्कार। हाँ जी, सर मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि मैं पिछले साल अप्रैल में पॉजिटिव हुआ था, तो उसके बाद जो पोस्ट कोविड के इफेक्ट अब तक चल रहे थे, ये एक साल होगा, कितना समय और डेफिशिएंसी रिकवर होने में? जी डॉक्टर साहब,
देखिए आमतौर पे जो कोविड के बाद सिम्टम्स या लक्षण रह जाते हैं ये बहुत ही कम रहते हैं, 6 महीने 8 महीने या साल भर बाद। अगर आपको कुछ लक्षण चल रहे हैं अभी भी तो एक बार डॉक्टर साहब से राय ले लें जो भी आपके आसपास रहते हैं या आप जिनको आप दिखाते हैं, क्योंकि आमतौर पे साल भर में बहुत से मरीज हैं जिनके लक्षण जो थे लंबे चले लेकिन साल भर में खत्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर पोस्ट कोविड वाला सिम्टम साल भर भी चल रहा है तो मेरा मानना है वो 90-95% ठीक हो गया होगा और आगे आने वाले कुछ समय में वो जल्दी ही चला भी जाएगा। तो ये पोस्ट वायरल सिंड्रोम के जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, लक्षण होते हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाने चाहिए अगर आपको अभी भी है तो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस ढंग से दूसरे देशों में मामले बढ़ रहे हैं और भारत में चौथी लहर की प्रिडिक्शन है, लोग पैनिक न हों और जैसा बार बार आप कह रहे हैं कि भारत में इस तरह की संभावना अब नहीं दिख रही है, क्या संदेश देंगे कार्यक्रम के अंत में? देखिए, संभावना कम इसलिए है कि हम लोग काफी कुछ भुगत भी चुके हैं और हम टीकाकरण अभियान में काफी आगे चल रहे हैं। हालांकि कई और देश हैं जिनमें टीकाकरण के बाद भी संक्रमण हुआ है, लेकिन अभी अगले कुछ महीनों में मुझे अगर आप पूछें व्यक्तिगत तौर पे, मैं ये कहूंगा कि अभी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि एक तो गर्मी के मौसम में कोरोना के केसेस बढ़ते आसानी से नहीं चाहिए, क्योंकि जो तापमान भारतवर्ष में अभी ही 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है उसमें कोरोना या कोई भी अलग वायरस, अभी मौसम बदल रहा है, अभी संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक बार गर्मी हो जाती है उसके बाद कोई भी वायरस का फैलना आसान नहीं रहता है भारत जैसे देश में। डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न सुन लेते हैं। दिल्ली से रमेश कुमार हैं। रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार सर जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं मेरा ये था कि सेकेंड डोज हमने अगस्त में लगवाई थी कोवैक्सीन, और उसके बाद अब बूस्टर डोज क्या लगवा सकते हैं हम अभी, या अभी हमें वेट करना पड़ेगा? जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में समय बहुत कम है। नौ महीने आखिरी खुराक के बाद लगना है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको रुकना पड़ेगा। मई में लगवा सकते हैं, 2 महीने, अभी 6 महीने हुए हैं आपको, 2 महीने और रुकना पड़ेगा, 1 महीना और रुकना पड़ेगा, मई में लगवा सकते हैं। और बाकी संक्षेप में मैं यही कहूंगा, अब जैसा कि आनंद जी ने मेरे से कहा था कि वायरस आएगा रहेगा, हमें उसके साथ रहना है, तो मास्क पहन करके रहें, टीकाकरण जरूर लगवाएं और अपने को पैनिक नहीं करें, भय नहीं करें। हमने 3 लहर निकाल ली है कोरोना की और आगे की भी लहर निकाल लेंगे। तो जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनसे बचा करके रखें, उनको बचा करके रखें, टीकाकरण करवाएं, बच्चों को भी स्कूल जाएं और अपना रोजमर्रा का जो रूटीन है उसको अपनाएं, लेकिन संभल करके रहें। जी धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए डॉक्टर अनुपम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर अनुपम प्रकाश बता रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, जिस संयम, संकल्प और समर्पण के साथ हमने कोरोना की 3 लहरों का बहादुरी के साथ सामना किया है, ये सच है कि हमने बहुत सारे अपनों को गंवा दिया है, लेकिन उसी धीरज के साथ हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है और खुद को सुरक्षित बनाए रखना है। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnhdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।